हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रेडीमेड डोसा बैटर से डोसा बनाऊंगी, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए सेम प्रोसेस है जैसे डोसा बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। दाल चावल वाला बनाओ तो उसको भिगाना पड़ता है, फिर एक दिन के लिए फर्मेंट होने मतलब फूलने के लिए रखना पड़ता है, बट ये तुरंत फर्मेंट हो जाता है 15 मिनट में। आप इस डोसा को सेम ऐसे ही पानी डालिए, ये 200 ग्राम का पैकेट है तो इसमें उसी हिसाब से पानी डालना है, पैकेट पे पीछे लिखा हुआ है। तो आप पानी डालिए और 15 मिनट के लग रख दीजिए और तुरंत फर्मेंट हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद जैसे नॉर्मली आप तवा गरम करिए और ये बैटर देखिए इस पर डालिए और अच्छे से जैसे फैलाते हैं उस तरह से आप बैटर को फैलाइए और डोसा जैसा वो डोसा दाल चावल वाला लगता है एकदम वही टेस्ट और वही क्रिस्पी, इसमें भी वैसा ही क्रिस्पी वो रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, इस वजह से मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं। इसमें 6 से 8 डोसा बनेगा और आप मतलब 2 लोगों के लिए आराम से आप बना सकते हैं। कोई अचानक से आ गया या आपका मन कर रहा है तुरंत डोसा खाने का तो आप बना सकते हैं। वैसे हमें दाल चावल वाला डोसा बनाने में तो 2 दिन लगता है, मतलब उसको फर्मेंट होने में, दाल चावल भिगाओ ये सब करने में, बट ये तुरंत 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत क्रिस्पी हुआ था, मैंने टेस्ट भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप मैं इसमें अब जैसे सेम बनता है, मैं इसमें आलू का मसाला बना के रखी हूँ तो वो आलू का मसाला डालूँगी और डोसा मेरा बन गया है। मैंने आपको बता भी दिया, मैंने टेस्ट भी किया था, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करूँगी फ्रेंड्स। आप मेरा नारियल का चटनी प्लेलिस्ट में है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो पैकेट है 200 ग्राम का 55 रुपीज़ का है। आप किसी भी कंपनी का, मैंने देसी आटा कंपनी का लिया है, आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इससे बड़ा ये 200 ग्राम का है, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। ये देखिए बन गया, थोड़ा सा मैंने और क्रिस्पी किया है, ये देखिए बन गया। देखिए साइड से एकदम अच्छा लग रहा है। मैंने देखिए सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।